हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे सेफ क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लानिंग। जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें एक टॉपिक पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के पांच फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग फंक्शन। आज हम वही फंक्शंस का पहला पार्ट, जो पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो स्टार्ट कर रहे हैं। आपने कोई भी काम मैनेज करना है अपनी लाइफ में तो आपको ये पांच फंक्शंस तो परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपने काम जो करना चाहते हैं उसको प्लान आउट करना है, तो वो चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब आप प्लानिंग करते हैं, अगर आप कहें तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है आपकी लाइफ में? प्लानिंग का मतलब होता है कि हम क्या करना चाहते हैं उसको पहले से ही डिसाइड कर लें। What to do, when to do, how to do, and who is to do it. कि हमें कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है और किसने करना है। अगर हम ये सब सोच लें, that is planning. Planning से हमें एक रास्ता पता लगता है कि हमें कहाँ पहुंचना है। हम प्लान करते हैं कि जहां हम हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं उसके बीच में जो गैप है, उस गैप को फिल करता है प्लानिंग। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। समझ आ गई बात? ये इसका इंट्रोडक्शन है। आप जब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वहां पे ये लिखा है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। दूसरा, प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू गो। ये इसका इंट्रोडक्शन है और इसकी डेफिनेशन भी यही है, अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडोनेल। नाम याद करना, अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडोनेल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। समझ आ गई बात? इसके कुछ फीचर्स भी हैं। इन टोटल देयर आर 7 फीचर्स जो प्लानिंग के हैं। सबसे पहला फीचर, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। बेटा, प्लानिंग का हमेशा जो फोकस होता है वो किस पे होता है? आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। हम जब भी प्लान बनाते हैं, आप अपना प्लान जब भी बनाएंगे किसी भी चीज का, आपका उसका जो प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव होगा वही उसका रीजन बनेगा कि आपको प्लान बनाएंगे। कुछ बच्चे आप देखते हैं कि वो पढ़ नहीं पा रहे, चाहते हैं पढ़ना पर पढ़ नहीं पा रहे। रीजन कि उनकी लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब आपके दिमाग में कोई ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे लाइफ में ये टारगेट अचीव करना है, तभी आप प्लान बना पाएंगे। क्योंकि तब आप समझते हैं कि टाइम जो मैं वेस्ट कर रहा हूं वो मेरे को ही नुकसान देने वाला है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे तो आपकी प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। आप प्लान ही नहीं बना सकते। आप जब तक देखते हैं, आप कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन ले लेना अपनी लाइफ में, आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमें घूमने जाना है। जब तक वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा घूमने जाने का, तब तक कोई प्लान भी नहीं बनेगा। आप देखते हैं कुछ फ्रेंड्स हमेशा ऐसे होते हैं जो उस प्लान को खराब करते हैं, कारण कि उनकी लाइफ में वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है घूमने जाने का। कुछ बच्चे सोचते हैं कि कल से पढ़ूंगा पर वो कल नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होता है कि पढ़ेंगे पर आराम से। अब वो आराम जब आ जाता है बीच में, ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। तो इसलिए लिखा है प्लानिंग फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव। और यहां पे यही बात लिखी है, एक बार लाइन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। प्लानिंग स्टार्ट्स, प्लानिंग हमेशा स्टार्ट ही कब होती है? विद डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग स्टार्ट होती है विद अ डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। हम प्लानिंग का सोच ही नहीं सकते अगर हमारे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आफ्टर सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग डिसाइड द मेथड, प्रोसीजर एंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कह रहे हैं जब आपके ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं ना, तब आपको प्लानिंग रास्ता बताती है कि उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है।
अब आपको यही नहीं पता लगता कितना पढ़ना है, कहां से शुरू करना है, आज मुझे कितनी देर पढ़ना है। टाइम टेबल इसीलिए तो नहीं बन पाता क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मुझे, अगर ये ऑब्जेक्टिव हो जैसे कि एक यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो कल को टेस्ट है तो पढ़ लेगा आज क्योंकि ऑब्जेक्टिव मिल गया उसे, अदरवाइज कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ना तो पढ़ाई नहीं होती। जब ऑब्जेक्टिव होता है तभी प्लानिंग आपको रास्ता बताती है। सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कह रहे हैं कोई भी काम मैनेज करना है तो सबसे पहला काम आपको प्लानिंग ही करनी है क्योंकि बिना प्लानिंग के आप कोई भी काम शुरू नहीं कर सकते। देखो क्या लिखते हैं, प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर, नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन। कह रहे प्लानिंग करे बिना कोई और काम शुरू नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑब्जेक्टिव आर सेट अप इन प्लानिंग एंड फंक्शन डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव ओनली। कह रहे कोई भी काम आपका डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या हो। समझ आ गई बात। पॉइंट नंबर थ्री, प्लानिंग इज परवेसिव। कह रहे आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें प्लानिंग आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको प्लानिंग तो जरूर करनी है। ठीक है, अब आप सोचें क्या स्कूल में कोई काम मैनेज करना है उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है? यस सर। आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। देखो क्या लिखते हैं, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट इज नॉट अ फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली, बट प्लानिंग इज डन बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल। पॉइंट नंबर थ्री, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग हमेशा किसके लिए होती है? फ्यूचर के लिए। कभी भी प्लानिंग प्रेजेंट या पास्ट के लिए नहीं होती, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। और जब आप फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर कैसा होता है? अनसर्टेन, तो हमें कुछ अजम्पशन लेनी होती है कि मैं प्लान कर रहा हूं कि पेपर अगर इस टाइम तक हो गए तो मैं प्रिपेयर हो जाऊं, तो हमें अजम्पशन, अब क्या हुआ पेपर डिले हो गए तो हम अपनी प्लानिंग उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखो क्या लिखते हैं, प्लानिंग इज ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड एज प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन, प्लानिंग इज नेवर डन फॉर पास्ट, ऑल मैनेजर्स ट्राई टू मेक प्रिडिक्शंस एंड अजम्पशन फॉर फ्यूचर एंड दीज प्रिडिक्शंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। और ये जो अजम्पशंस हैं ये किस पे डिपेंड करती है कि उसको एक्सपीरियंस कितना है। जैसे आप कहते हैं, मैं कह रहा हूं कि बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि इसको अच्छे से कर लेना, ये किस पे डिपेंड करता है? मेरे पास्ट एक्सपीरियंस पे, कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं ट्वेल्थ में, जैसे ही ट्वेल्थ के पेपर हुए अच्छे मार्क्स आ गए, क्या प्लानिंग खत्म या अगली प्लानिंग शुरू? प्लानिंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस विच कॉन्टिन्यूज फॉर एवर। देखो क्या लिखते हैं, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ और अ ईयर, एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देयर इज अ नीड फॉर अ न्यू प्लान टू बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर कंडीशन। कह रहे जैसे ही वो प्लान खत्म हुआ आप नया प्लान बनाएंगे एज पर द न्यू कंडीशन, हेंस प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। हम प्लानिंग करते रहते हैं पर हम डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए हमारी प्लानिंग ही नहीं अच्छी होती। प्लान तो रोज बनाते हैं, आज से पढ़ूंगा या कल से पढ़ूंगा, पर जब डिसीजन नहीं होता तो उसका कोई फायदा नहीं है। प्लानिंग में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। कह रहे प्लानिंग करने का फायदा ही तब है जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो, एंड वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव। हमें कौन सा चूज करना है जो हमारे लिए सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है। वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ चॉइस बिकॉज इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर्स इवैल्यूएट वेरियस ऑल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। कह रहे हैं प्लानिंग तभी करने का फायदा जब ऑप्शन हो। अभी टाइम है, प्लान कर लो कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। चार दिन बाद इंग्लिश का पेपर है, यार अभी सोचता हूँ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लूँ जो रह रहा, क्या उस टाइम प्लानिंग का कोई फायदा नहीं? तो उन्होंने भी यही कहा,
प्लानिंग का तब फायदा जब आपके पास ऑप्शन हो, अगर ऑप्शन ही नहीं है तो प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। आखिरी दिन कल इंग्लिश का पेपर, आज सोच रहे यार अकाउंट से दो क्वेश्चन रह रहे वो कर लूं, कोई प्लानिंग का फायदा ही नहीं है उस टाइम पे। तो इसलिए बोला प्लानिंग इज ऑलवेज यूजफुल व्हेन अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। लास्ट, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग सिर्फ वही कर सकता है जिसकी एक साउंड इमेजिनेशन हो, जो जजमेंट या डिसीजन ले सके। प्लानिंग में दिमाग लगता है, प्लानिंग हर एक के बस की बात नहीं है। देखो क्या लिखते हैं, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इट इज अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर्स हायर थिंकिंग, इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इसमें दिमाग लगता है, इन्वॉल्विंग इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट, इट इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमें सोचना कम, सॉरी काम कम करना है, सोचना ज्यादा है। जब आप प्लान बनाते हैं उसमें काम कम होता है लेकिन सोचना बहुत पड़ता है कि हम काम कैसे करेंगे। समझ आ गई बात, क्योंकि ये तो डेफिनेशन में लिखा है थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, तो अभी तो सोच रहे हैं ना, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग। समझ आ गई बात। एक बार इसकी हेडिंग समझ आ गई आप सबको, याद करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के फीचर्स ध्यान से समझेंगे बेटा। प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं? एक डीएम प्लानिंग कर रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है कि एसी कार में जाऊंगा और अपना पीएफ का अकाउंट खुलवाऊंगा। पीएफ समझते हैं प्रोविडेंट फंड, जिसे आप पेंशन भी बोलते हैं। डीएम एसी पी स्क्वायर एफ, डी स्टैंड फॉर डिसीजन मेकिंग, मेंटल एक्सरसाइज, हेल्पफुल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कंटिन्यूअस प्रोसेस, परवेसिव फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, परवेसिव और प्राइमरी और फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। डीएम एसी पी स्क्वायर एफ, ये इसके फीचर्स हैं। बाकी टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय।